मुंबई महापालिकेची टीम मोहित कंबोज यांच्या घराबाहेर पडलेली आहे. मोहित कंबोज यांच्या घराची 3.5 तास त्यांनी पाहणी केलेली आहे. इमारतीची सद्यस्थिती आणि पूर्वीचा आराखडा तपासून कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल असं मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलेलं आहे. दुपारच्या सुमारास मुंबई महापालिकेचे अधिकारी हे मोहित कंबोज यांच्या निवासस्थानी पोहोचलेले होते. त्यांच्या घराचं बांधकाम हे अनधिकृत आहे असा आक्षेप त्यांच्याकडून नोंदवण्यात आलेला होता आणि आता ही टीम त्यांच्या घराबाहेर पडली आहे. देखिए, सबसे पहले मैं ठाकरे सरकार और महाविकास आघाड़ी सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि आफ्टर कोविड हमारी पूरी बिल्डिंग की सफाई नहीं हो पाई थी अच्छी तरह. तो आज बीएमसी अधिकारी आए, उस कारण भी पूरी बिल्डिंग की भी स्टेयरकेस से लेकर सब अच्छी तरह क्लीननेस हो गई, स्वच्छता अभियान हो गया, सफाई हो गई. उसके लिए खूब खूब शुभेच्छा. बदले की भावना से जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी सरकार, ठाकरे सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, आज उसी का ये एक हिस्सा है. पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, महीनों से देख रहे हैं, कैसे राणे साहब हों या आशीष सेला साहब हों, प्रवीण दरेकर जी के ऊपर 24,000 रुपये की FIR हो, या मेरा कुछ भी EOW में नहीं मिल पाने का, पुलिस प्रशासन में कहीं भी गुनाह नहीं दाखिल हो पाने के बाद BMC की कार्रवाई मेरे घर पे, ऑफिस पे और मेरे सभी प्रॉपर्टी पे करने का जो प्रयास महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, उन्होंने सम्मन भेजे, नोटिसेस भेजे, हमने उसमें उनके सम्मन और नोटिसेस का पूरा इंस्पेक्शन कराया. सभी अधिकारी पूरा इंस्पेक्ट करके गए आज, और अगर उसमें कुछ भी गैर कानूनी या गलत तरीके से कुछ भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो वो आगे कार्रवाई करेंगे, जिसका मैं उनको जवाब दूंगा. इस दौरान उन्होंने आप साथ में क्या क्या उन्होंने देखा, किसी चीज़ पे उन्होंने कॉपरेट किया है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने उनको पूरा कॉपरेट किया. कुछ कहना, कुछ बोलने की बात ही नहीं थी. उनके पास ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना उनके पास कोई माहिती थी कि यहाँ पे कोई इल्लीगल काम हुआ है जिसके लिए वो आए हैं. ये साफ सेक्शन 488 को जो पावर देता है म्यूनसिपल कमिश्नर को, वो किसी भी प्रेमाइसिस की चेकिंग कर सकते हैं घर के अंदर जाके 24 आवर्स के, या उससे कभी भी अधिक समय में नोटिस देकर. ये सेक्शन 488 का दुरुपयोग है. बिना कोई एविडेंस, बिना कोई सब्सटेंस कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कि FSI का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है, कि यहाँ पर ज़्यादा बांध काम हुआ है, कि एक्स्ट्रा फ्लोज बांधे हैं, या CIZ का उल्लंघन हुआ है, ऐसा कुछ ना होते हुए सिर्फ बदले की भावना. और बदले की भावना किस प्रकार की, उनको पता है कि मेरे छोटे बच्चे, 8 साल का बेटा, 10 साल की बेटी और बूढ़े माँ बाप मेरे साथ रहते हैं. ये इस तरह से BMC के जोर लगाकर मुझे धमकाना, कि मेरे घर के परिवार को, लोगों को डराना, कि डराकर कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ बंद करने का काम जो महाविकास आघाड़ी सरकार, ठाकरे उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार साहब सोचते हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम आपसे डरते नहीं हैं, आपसे घबराते नहीं हैं, और हमारा संघर्ष आपके पार्टी के नेताओं का आपका भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए और स्पीड से तैयार रहेगा और स्पीड से आगे बढ़ेगा. धन्यवाद. तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून जर आपल्यावर काही कारवाई झाली तर त्याला उत्तर दिलं जाईल असं मोहित कंबोज यांनी या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.